This is Assistant Professor B.S. Teema, and today we are going to discuss about organic matter and composition. आज का हमारा टॉपिक है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है और इसकी कंपोजिशन क्या है, मतलब ये कैसे बना है. ओके, सो कंटेंट्स में इसके इंट्रोडक्शन है. फर्स्ट इंट्रोडक्शन करेंगे ऑर्गेनिक मैटर की, कि क्या होता है, कैसे बनता है, क्या हमें इसके बेनिफिट्स हैं. ओके, नेक्स्ट जो है डीकंपोजिशन. डीकंपोजिशन क्या होती है, कैसे होती है ऑर्गेनिक मैटर में, है ना. थर्ड जो है इन्वॉल्वमेंट, कि कौन कौन से एंजाइम जो इन्वॉल्व होते हैं इसकी डीकंपोजिशन में. ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन करने के लिए कौन कौन से एंजाइम जो हैं वो अवेलेबल होते हैं. प्रोसेस क्या होती है, कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, पहले किसमें ब्रेक डाउन होता है, उसके बाद कैसे कैसे वो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है वो ब्रेक डाउन होता है ऑर्गेनिक मैटर. थर्ड मिनरलाइजेशन, वही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म किसी भी मैटर की. और लास्ट में फैक्टर्स, कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर की डीकम्पोजिशन रेट ज्यादा होता है, जो फेवर करते हैं डीकम्पोजिशन में, है ना. तो ये सर आज सब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर एंड इट्स कंपोजिशन. सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज अ कॉम्प्लेक्स मैटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल रेसिड्यूज कंटेनिंग बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल कंपाउंड्स. जो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर होता है ना, ये कॉम्प्लेक्स मैटर होता है जो कि प्लांट्स के रेजिड्यू से बनता है और एनिमल्स के रेजिड्यू से बनता है, जो कि सॉइल में मिक्स हो जाते हैं. जैसे प्लांट्स के है ना, प्लांट्स का हमने स्टेम तक प्लांट को काट लिया और बाद में जो बच गया वो एज इट इज सॉइल में चला जाता है. या किसी प्लांट के लीव्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं. ओके, ऐसे ही एनिमल रेजिड्यू है, कोई वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल्स का, तो ये सारे मटेरियल को इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर. ओके, नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, कि ऑर्गेनिक मैटर जो है किससे मिलकर बना है. फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसमें कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, लाइक अमाइन, अमाइड कंपाउंड्स एंड अमीनो एसिड्स. कुछ नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, सैचराइड्स हो गए, अमीनो शुगर्स हैं. ओके, शुगर एसिड, शुगर अल्कोहल, तो ये सारे नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं. सेकंड जो है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंडर हमने दो कंपाउंड्स डिस्कस किए. नेक्स्ट जो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सारे आप क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ये सारे क्या हैं, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स हैं. ओके, ऑल दीज आर इन मेटलिक कंप्लेक्स फॉर्म, हेंस ये क्या होते हैं, ये मेटलिक कंप्लेक्स होते हैं, मींस ये मेटल के साथ रिएक्शन में होते हैं, ठीक है, जिससे कि इनकी लीचिंग जो है वो कम होती है, मतलब इनका लॉस जो है कम होता है, क्योंकि ये मेटल के साथ कंबाइन बॉन्ड में होते हैं, इसलिए ये जो है वाटर के साथ इनकी रिएक्शन नहीं होती, क्योंकि वाटर के साथ रिएक्ट करके फिर ही इनकी लीचिंग होगी ना, फिर ही ये मतलब अपर लेयर से जो डीपर लेयर में जाएंगे, तो इसलिए ये पहले से ऑलरेडी कंप्लीट जो बॉन्ड है उसमें रहते हैं मेटल के साथ, जिससे कि ये किसी भी फॉर्म में, किसी भी वाटर सॉल्वेंट में ये डिसॉल्व नहीं होते, जिससे कि इनका लॉस जो है, जैसे लॉस हो जाता है ना, नाइट्रोजन का लॉस ज्यादा होता है, तो इनका लॉस जो है वो कम होता है. ओके, दैट्स व्हाई इनको क्या बोला जाता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स. नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक मैटर डीकंपोजिशन. डीकंपोजिशन मींस
कैसे वो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो डीकम्पोज होता है, ब्रेक डाउन होता है. इट इज द डिकेइंग ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स बाय वेरियस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एंजाइम्स एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और एलिमेंट्स. डीकम्पोजिशन क्या होती है ऑर्गेनिक मैटर की, कि ये ऑर्गेनिक मैटर को जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं सॉइल के अंदर, इसलिए बोलते हैं कि सॉइल जो है उसको हेल्दी सॉइल किसको बोलते हैं, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी जो है वो ज्यादा होती है. ओके, अगर ज्यादा एक्टिविटी होगी तो जैसे ही जो क्रॉप रेजिड्यू और जो एनिमल रेजिड्यू है सॉइल के अंदर मिक्स होता है तो वो जल्दी से जल्दी डीकम्पोज हो जाता है. जितना जल्दी डीकम्पोज होगा उससे उतने ज्यादा एंजाइम, उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे. जितनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं उतनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स जो है नई क्रॉप को प्रोवाइड कर सकती है सॉइल. तो इसलिए जो है सॉइल का हेल्दी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो वेरियस ग्रुप्स जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के वो ब्रेक डाउन कर देते हैं सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को सॉइल में. इट हेल्प्स टू इम्प्रूव सॉफ्टनेस ऑफ द मटीरियल फॉर फर्दर मिनरलाइजेशन. इट इज बेसिकली अ बर्निंग और ऑक्सीडेशन प्रोसेस. ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है. ओके, जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जिससे कि वो ब्रेक डाउन कर सकें ऑर्गेनिक मैटर को. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स डीकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर. डीकम्पोजिशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन. फर्स्ट इज एरोबिक डीकम्पोजिशन, ऐसी डीकम्पोजिशन जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है, जिसके जो रिजल्ट आते हैं ना वो अच्छे होते हैं. मतलब जो उनके इंग्रेडिएंट्स जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं. नेक्स्ट इज एनारोबिक डीकम्पोजिशन, ऐसी डीकम्पोजिशन जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, या ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है वो कम होती है, जिससे कि जो ब्रेकडाउन प्रोसेस है ना कंप्लीट नहीं होता. मतलब कंप्लीटली उस लेवल पे नहीं होता जिससे कि जो हमारे डिजायर्ड न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं मिलते. कुछ अमाउंट में मिलते हैं लेकिन इससे ह्यूमस ये ज्यादा बनते हैं जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है. ओके, सो दिस वाज द डीकम्पोजिशन. नेक्स्ट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इन्वॉल्वमेंट कैसे होती है. डीकम्पोजिशन इज वेरी माइक्रोबियल प्रोसेस, इट इज ए प्योर माइक्रोबियल प्रोसेस, इन्वॉल्व सेवरल स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो डीकम्पोजिशन होती है ना ये माइक्रोबियल प्रोसेस है जिसमें कि वेरियस जो ग्रुप्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वो प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीट्स, फंजाई एंड प्रोटोजोआ, ये क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. सपोर्टिंग इसमें कुछ सपोर्टिंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो कि इस प्रोसेस को इजी बनाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए फंक्शन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. ये सपोर्टिंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, जैसे इंसेक्ट्स हैं, वॉर्म वॉर्म जो होते हैं ना अर्थवॉर्म, जैसे रोडेंट्स हो गए, टर्माइट्स हो गए, एंट्स, तो ये सारे सपोर्टिंग ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं जो कि हेल्प करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डीकम्पोजिशन में. ऑल द सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज नॉट डीकम्पोज्ड बाय द सेम ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि ऐसा नहीं होता कि सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक ही टाइप्स के होते हैं और सारी डीकम्पोजिशन प्रोसेस जो है वो एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा ही होता है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी जो ग्रुप होते हैं, ठीक है, स्पीसीज होती हैं, जिससे कि जो कि अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं. एट डिफरेंट स्टेज ऑफ डीकम्पोजिशन डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
एंटर इनटू द डिग्रेडेशन प्रोसेस। ये जो प्रोसेस होती है ना, इसमें काफी फेज होते हैं, काफी स्टेप होते हैं। ओके, तो एक एक स्टेप में एक एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो पूरी जो डिकम्पोजिशन होती है वो वेरियस जो स्पीसीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, उसके थ्रू होती है, जो पूरा जो कंप्लीट डिकम्पोजिशन होता है किसी ऑर्गेनिक मैटर का। एज द डिग्रेडेशन प्रोसीड, न्यूअर मटीरियल आर सिंथेसाइज्ड बाय द सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जैसा कि स्टार्टिंग की जो स्पीसीज है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, वो उन्होंने अपना काम फिनिश किया, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सेकेंड स्टेज पे न्यू ग्रुप आ जाता है, और उनका काम जो है वो स्पेसिफिक होता है। जैसे उन्होंने इतना सा ही, मतलब एक से लेकर 10th लेवल तक ही उन्होंने काम करना है। जब कोई भी ऑर्गेनिक मैटर 10th लेवल से ऊपर चला जाता है, तो वो जो वो काम है 11 से 20 तक का, वो न्यू ग्रुप के द्वारा किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का न्यू ग्रुप उसमें काम करेगा, क्योंकि इनको जो काम होते हैं ना वो स्पेसिफिक होते हैं, वो ही स्पेसिफिक काम करना है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, सो दिस वाज ऑल द अबाउट द इन्वॉल्वमेंट। नेक्स्ट इज एंजाइम्स इन डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन में कौन कौन से एंजाइम होते हैं और ये कैसे काम करते हैं, जैसे इसमें दे रखा है ये जो सबस्ट्रेट है, जैसे ये ऑर्गेनिक मैटर है ना, तो एंजाइम इसके साथ पहले रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जो है दोनों को अलग कर देता है, सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट को अलग अलग कर देता है, जैसा कि आप लोग इसमें देख सकते हो। कौन कौन से एंजाइम है? फर्स्ट हमारा एंजाइम जो है वो है सेल्यूलेज। सेल्यूलोज किसको, क्या काम है इसका? इसका काम है सेल्यूलोज को ब्रेक डाउन करना। अगर ऑर्गेनिक मैटर में सेल्यूलोज है, तो इसका काम क्या होगा? सेल्यूलोज को अलग करना। नेक्स्ट जो है वो है यूरियाज। यूरियाज का क्या काम होता है? यूरिया को अलग करना। यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होती है ना, तो पूरा यूरिया को अलग करने का काम किसका होता है? यूरियाज का। नेक्स्ट इज फॉस्फेटेज। फॉस्फेटेज क्या करता है? ये ह्यूमस को ब्रेक डाउन करता है। ह्यूमस को ब्रेक डाउन करके जो फॉस्फोरस फॉस्फेटेज प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अलग करता है। ओके, सो दिस इज यूज्ड टू ब्रेक ह्यूमस। नेक्स्ट इज सल्फेटेज। सल्फेटेज क्या करता है? ये भी ह्यूमस को ब्रेक डाउन करता है, जो और H2SO4 जो केमिकल है उसको रिलीज करने में ये हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट इज प्रोटीएज। प्रोटीएज क्या करता है? ब्रेक बॉन्ड लिंकिंग टू अमाइनो एसिड टू सेपरेट अमाइनो एसिड। ये अमाइनो एसिड जो होते हैं उनको अलग करने में हेल्प करता है प्रोटीएज। ओके, इट इज यूज्ड टू सेपरेट द अमाइनो एसिड्स। सो ये सारे हमारे एंजाइम्स थे जो कि इन्वॉल्व होते हैं डीकम्पोजिशन प्रोसेस में। हर एक एंजाइम का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग ये काम करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन। एक प्रोसेस क्या होती है, कहाँ से स्टार्ट होती है, कहाँ पे फिनिश होती है? देन फर्स्ट इज डीकम्पोजिशन प्रोसेस। टू मेजर डीकम्पोजिशन प्रोसेस इन्वॉल्व। दो मेजर जो है डीकम्पोजिशन प्रोसेस हैं इसमें। फर्स्ट जो है हमारे पास मिनरलाइजेशन, नेक्स्ट इज इमोबिलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ऑर्गेनिक फॉर्म टू एन इनऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना, उसको मिनरलाइजेशन बोलते हैं। मिनरलाइजेशन अकर्स फॉर ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिक मैटर इंडिविजुअली, स्पेशली लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। नेक्स्ट इज इमोबिलाइजेशन। इमोबिलाइजेशन क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक टू ऑर्गेनिक
फ्रॉम अ माइक्रोबियल टिश्यू और प्लांट टिश्यू. कोई माइक्रोबियल टिश्यू या प्लांट टिश्यू में जो ऑर्गेनिक मैटर इनऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना. Thus, rendering the elements not readily available to other organisms. इसके थ्रू जो एलिमेंट्स रिलीज होते हैं ना वो जो नॉर्मली जो है अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते, जो इसके थ्रू इमोबिलाइजेशन के थ्रू जो एलिमेंट्स रिलीज होते हैं वो अवेलेबल फॉर्म में नहीं होते. मींस उनको जो प्लांट है वो एज इट इज अब्सॉर्ब नहीं कर सकता. ओके, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है टाइप्स ऑफ मिनरलाइजेशन. ये मिनरलाइजेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं? फर्स्ट इज नाइट्रोजन मिनरलाइजेशन. मींस नाइट्रोजन को कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है? इट इज द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन. फॉर एग्जांपल NH4 एंड NO3 बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म. ओके, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? क्या होता है कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन होती है ना उसको पहले प्रोटीओज में ब्रेक डाउन किया जाता है, बाद में ब्रेक डाउन होती है पेप्टोन में, उसके बाद अमाइनो कंपाउंड्स होते हैं, अमोनिया बोल सकते हैं, नेक्स्ट अमोनिया से किस में? नाइट्राइट में, और लास्ट जो इनका प्रोडक्ट होता है ना नाइट्रेट NO3. ओके, लास्ट जो प्रोडक्ट होता है NO3. जो अमोनिया होता है इसको NH4 भी बोला जाता है. ओके, कुछ प्लांट्स हैं वो NH4 की फॉर्म में नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ जो हैं वो NO3 की फॉर्म में. ओके, NH4 जब बन जाता है उसके बाद नाइट्राइट फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और बाद में नाइट्रेट की फॉर्म में. ओके, कौन कौन से स्टेप्स कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट जो है अमीनाइजेशन, जो नाइट्रोजन का अमीनाइजेशन होता है, उसके बाद अमोनिफिकेशन होता है इसका, थर्ड जो है नाइट्रिफिकेशन होता है, और लास्ट जो है डीनाइट्रिफिकेशन. नाइट्रिफिकेशन मतलब कि नाइट्रोजन ऐड हो रही है, और डीनाइट्रिफिकेशन मींस द लॉस ऑफ नाइट्रोजन. ओके, तो ये एक पूरा सर्कल होता है. डीनाइट्रिफिकेशन के बाद दोबारा से फिर अमीनाइजेशन, फिर अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, और लास्ट स्टेप जो है डीनाइट्रिफिकेशन. मींस ये एक सर्कल होता है. नेक्स्ट, अमीनाइजेशन क्या होता है? प्रोटीन एंड अदर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स आर कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड्स एंड अमाइनो कंपाउंड्स बाय एक्शन ऑफ एंजाइम्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. जो प्रोटीन्स होते हैं ना या कंप्लेक्स नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स होते हैं वो जब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, चाहे वो एंजाइम्स के थ्रू हो चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू हो, उसको हम अमीनाइजेशन बोलते हैं. ओके, प्रोटीन और जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स हैं उनको जब अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उनको अमीनाइजेशन बोलते हैं. ओके, इसमें जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एनर्जी, कुछ अमाउंट में जो एनर्जी है वो भी रिलीज होती है. नेक्स्ट इज अमोनिफिकेशन. अमोनिफिकेशन क्या होता है? इट इज द बायोकेमिकल कन्वर्जन ऑफ अमाइनो कंपाउंड्स एंड अमाइनो एसिड्स इनटू अमोनिया बाय बैक्टीरियल डीकंपोजिशन. अमीनाइजेशन में फर्स्ट स्टेप में जो कि प्रोटीन को और नाइट्रोजन कंपाउंड जो थे उनको अमाइनो एसिड में चेंज किया गया था. अमोनिफिकेशन क्या होती है? जब इन अमाइनो एसिड्स को, अमाइनो कंपाउंड्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाए? अमोनिया में. ओके, बाय बैक्टीरियल डीकंपोजिशन मींस बाय यूजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन. मींस अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया गया है अमाइनो एसिड्स को. ओके, थर्ड जो है वो है नाइट्रिफिकेशन. व्हाट इज नाइट्रिफिकेशन?
It is the biochemical oxidation of ammonia into nitrate and then finally into nitrate. Biochemical oxidation मतलब जब oxidation हो जाती है ammonia की और ये further divide हो जाता है, further breakdown हो जाता है किसमें? Nitrate में. या तो ये सीधा nitrate में breakdown होगा या nitrate में. तो दोनों conditions में इसको क्या बोलेंगे? Nitrification means इनमें जो नाइट्रोजन है वो ऐड हुई है. ओके तो अमोनिया का ब्रेकडाउन होना नाइट्राइट में या नाइट्रेट में थ्रू बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन. दिस प्रोसेस कैरिड आउट बाय ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया. ये इस प्रोसेस में दो जो स्पेशल बैक्टीरियाज हैं, एक तो नाइट्रोसोमोनास एंड दूसरा जो है नाइट्रोबैक्टर. ये आप लोगों ने याद रखने हैं, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया विच आर यूज्ड टू ऐड सम नाइट्रोजन इन अमोनिया इन एरोबिक कंडीशन मीन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. टू स्टेप्स आर इन्वॉल्व. रेट ऑफ नाइट्रिफिकेशन डिपेंड्स अपॉन सुटेबल टेम्परेचर. जो रेट होता है नाइट्रिफिकेशन का कि कितनी ज्यादा नाइट्रिफिकेशन होगी, कितना ज्यादा अमोनिया जो है वो कन्वर्ट होगा नाइट्रेट में और नाइट्राइट में, ये डिपेंड्स करता है टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे, पीएच पे और जो सीजन होता है कि कौन सा सीजन है, वार्म सीजन है या विंटर सीजन है, और एरेशन पे कि जो ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंस है, क्या ऑक्सीजन की क्या उसमें प्रेजेंस कितनी है, अवेलेबिलिटी कितनी है ऑक्सीजन की. एडिशन ऑफ लाइम इंक्रीज. अगर हम लाइम को एडिशन करते हैं, ऐड करते हैं लाइम को थोड़ा सा, तो ये इंक्रीज करता है इसको प्रोसेस को, नाइट्रिफिकेशन को. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मिनरलाइजेशन. में फोर्थ जो है वो है डीनाइट्रिफिकेशन. तीन हमने डिस्कस किए हैं, अमीनाइजेशन, अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन एंड लास्ट यहाँ पे है डीनाइट्रिफिकेशन. मींस जब नाइट्रोजन का लॉस होता है. इट इज द बायोकेमिकल रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट और नाइट्रेट टू गैसियस नाइट्रोजन आइदर एज मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. जब नाइट्रोजन का लॉस होता है नाइट्रेट और नाइट्रेट से, जब नाइट्रोजन गैस बनती है, ओके, तो इसको लॉस ऑफ नाइट्रोजन बोलते हैं. जब ये प्रोसेस होती है तो इसको क्या बोलेंगे? डीनाइट्रिफिकेशन. ओके, लॉस ऑफ नाइट्रेट बाय रिडक्शन एंड सिमुलेशन. इसमें लॉस होता है, रिडक्शन होता है नाइट्रोजन का. तो ये सब था टाइप्स ऑफ मिनरलाइजेशन के अंडर. फोर टाइप्स थे हमारे नाइट्रोजन असिमिलेशन के. नेक्स्ट इज फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन. नाइट्रोजन हमने कंप्लीट कर लिया था. सेकंड हमारे पास है फॉस्फोरस. कि फॉस्फोरस का कैसे ब्रेकडाउन होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन फॉर्म्स ऑफ फॉस्फोरस into inorganic forms of phosphorus by phosphorus decomposing microorganisms, especially by mycorrhiza species. ये process होती है जिसमें organic form जो होती है phosphorus की, उसको inorganic form में convert कर दिया जाता है. Microorganisms के through जो organic form होती है phosphorus की, उनको phosphorus की ही inorganic form में convert कर देते हैं. ये स्पेशली कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है? माइक्रोरहिजा. माइक्रोरहिजा जो स्पीसीज होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की, ये जो ये फंक्शन परफॉर्म करती है. द ऑर्गेनिक फॉस्फोरस कंपाउंड इन ऑर्गेनिक मेन्योर्स मेनली एज न्यूक्लिक एसिड. कौन कौन से ऑर्गेनिक मेन्योर में कौन कौन से कंपाउंड होते हैं, फॉस्फोरिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? न्यूक्लिक एसिड, फाइटिन, फॉस्फो लिपिड्स, जो इनोक्टिसोल है, पीओ4 और लेसिथिन, ये सारे प्रोडक्ट्स होते हैं.
The organic phosphorus is not directly available to plants as it has to undergo decomposition by microorganisms. जो ऑर्गेनिक फॉस्फोरस होती है ना, ये जो डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होती प्लांट को, ओके, इट हैज टू अंडरगो डीकम्पोजिशन. इसको पहले डीकम्पोजिशन के थ्रू, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू इसको पहले इसका डीकम्पोजिशन होगा, ओके, और बाद में यह प्लांट्स को अवेलेबल होगी. नेक्स्ट इज सल्फर मिनरलाइजेशन. थर्ड जो है कि सल्फर का कैसे ब्रेकडाउन होता है. द ऑर्गेनिक फॉर्म ऑफ सल्फर कंपाउंड सच एज मिथियोनिन, क्रिस्टिन, क्रिस्टीन आर कन्वर्टेड इनटू इनऑर्गेनिक सल्फेट फॉर्म. जो ऑर्गेनिक सल्फेट फॉर्म होती है ना, जब वो इनऑर्गेनिक सल्फेट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बाय एरोबिक बैक्टीरिया स्पीसीज, कौन सी स्पीसीज, थायोबैसिलस एंड थायोबैक्टर, ये जो दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज है, ये इसको डीकम्पोज करने में काम करती है सल्फर को, ओके. दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, थायोबैसिलस एंड थायोबैक्टर. तो ये इनऑर्गेनिक सल्फर को ऑर्गेनिक सल्फर में, सॉरी, ऑर्गेनिक सल्फर को इनऑर्गेनिक सल्फर में, सल्फेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, ओके. नेक्स्ट इज रेट ऑफ डीकम्पोजिशन. कि डीकम्पोजिशन का रेट क्या होता है, किस रेट से डीकम्पोज होता है, कितना टाइम कितना लगता है किसी ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज होने में. द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन वेरीज विद द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा है उस पर डिपेंड करता है. सम मे अंडरगो डीकम्पोजिशन वेरी फास्ट एंड अदर मे वेरी स्लो. मीन्स कि डिपेंड करता है कि ऑर्गेनिक मैटर कैसा है. कई ऑर्गेनिक मैटर की कई टाइप्स होती हैं जिससे कि ऑर्गेनिक मैटर जल्दी डीकम्पोज होता है, लेकिन इनमें कुछ सम जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जो प्रोडक्ट्स इसमें पाए जाते हैं, सब्सटेंस इसमें होते हैं, उनके थ्रू ये लेट भी हो जाती है. तो डिपेंड करता है कि किस तरह का हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है. जो ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्टार्च, शुगर एंड सिंपल प्रोटीन, उसके बाद क्रूड प्रोटीन होता है, उसके बाद हेमिसेल्यूलोज, उसके बाद सेल्यूलोज होता है इसमें, फिर लिग्निन होता है, फैट होती है, फैटी कंपाउंड्स होते हैं, वैक्स होती है. तो ये सारे ऑर्गेनिक मैटर में इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं, अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट इज जो कितना टाइम कितना लगता है कि 60% जो डीकम्पोजिशन है, 60% किसी ऑर्गेनिक मैटर का, उसको टाइम लगता है 6 मंथ. कि जैसे ऑर्गेनिक मैटर ऐड किया सोयल में, ओके, नेचुरल कंडीशन में, तो 6 मंथ्स के अंदर 60% हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है वो डीकम्पोज हो जाता है. नेक्स्ट 20% को कितना टाइम लगता है, 3 से 4 ईयर्स, 3 और 4 साल का टाइम लगता है नेक्स्ट 20% जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज होने में. और नेक्स्ट 20 उसके बाद जो कंप्लीटली हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको कितना टाइम लगता है, 4 ईयर्स, ओके. तो 80 से लेकर 100% जो हमारा नाइट्रोजन, जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज होने में 4 साल लगते हैं, 4 साल का टाइम, ओके. तो इतना टाइम लगता है हमारा जो ऑर्गेनिक मैटर है डीकम्पोज होने में सोयल में, ओके. नेक्स्ट प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स कौन कौन से डीकम्पोजिशन से होते हैं. अंडर वेल ड्रेन्ड एरेटेड सोयल द प्रोडक्ट्स आर, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, एक प्रोडक्ट है जो NO2 नाइट्रोजन हो गया, वाटर रिलीज होता है, फॉस्फोरस इसमें रिलीज होती है, सल्फर भी इसमें रिलीज होती है, सल्फर भी इसका एक प्रोडक्ट है, और लास्ट जो है वो है हाइड्रोजन.
हाइड्रोजन भी एक प्रोडक्ट है जो कि रिलीज होता है. ओके और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हैं? न्यूट्रिएंट्स जैसे 17 न्यूट्रिएंट्स हमने एसेंशियल तो पढ़े ही हैं, ये भी होता है किसी में किसी न्यूट्रिएंट की अमाउंट कम होगी किसी में ज्यादा होगी, वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिक मैटर पे कि ऑर्गेनिक मैटर कैसा है. नेक्स्ट इज अंडर एनएरोबिक कंडीशन. एनएरोबिक मतलब जिसमें जो हमारी ऑक्सीजन है वो या तो कम है या बिल्कुल ही एब्सेंट है. ओके ये ज्यादातर कौन सी कंडीशन में होता है? जहां वाटर लॉक्ड कंडीशंस हो, मतलब जहां पे पानी खड़ा होता है. जिस सॉइल पे पानी होता है ना उसमें जो ऑक्सीजन है वो नहीं होती, जब बहुत कम होती है. ओके तो उस केस में कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमारे होंगे? वो फर्स्ट जैसे है मिथेन, ऑर्गेनिक एसिड्स, अमाइनो ग्रुप्स जो है NH4, टॉक्सिस जो गैसेस है लाइक H2S, डाइमिथाइल सल्फाइड एंड इथाइलिन, ये सारे प्रोडक्ट्स रिलीज होंगे एनारोबिक कंडीशन में जो कि हार्मफुल है सोइल के लिए. तो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में जो जो प्रोडक्ट्स रिलीज हो रहे हैं वो सारे प्लांट्स के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स हैं और प्लांट्स उनका यूज करके ग्रोथ ले सकते हैं. लेकिन जो एनारोबिक कंडीशन में रिलीज हो रहे हैं वो कि वो प्रोडक्ट्स सारे वो एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल हैं और प्लांट्स के लिए भी और सोयल के लिए भी. ओके नेक्स्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं जिस पे डीकम्पोजिशन डिपेंड करता है. फर्स्ट है टेम्परेचर. कोल्ड पीरियड्स रिटार्ड द ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजिशन एंड देयर विल बी मोर अक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑन द टॉप सॉइल कंपेयर्ड टू दैट ऑफ वार्म क्लाइमेट्स. जो कोल्ड टेम्परेचर जब की रेंज जब कम होती है ना, बहुत कोल्ड डेज होते हैं, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर जो डीकम्पोजिशन रेट होता है वो कम हो जाता है. द मोस्ट सुटेबल टेम्परेचर रेंज इज 30-40 degrees Celsius. अगर डीकम्पोजिशन रेट जो है वो प्रॉपर डीकम्पोजिशन होनी चाहते हो तो जो टेम्परेचर रेंज है वो 30-40 degrees Celsius होना चाहिए. दिस इज हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग डीकम्पोजिशन. नेक्स्ट इज सॉइल मॉइस्चर. सॉइल मॉइस्चर क्या होता है कि सॉइल में वाटर की अवेलेबिलिटी कितनी है उसको सॉइल मॉइस्चर बोलते हैं. हाउ मच वाटर सॉइल कैन प्रोवाइड दैट इज कॉल्ड द सॉइल मॉइस्चर. नियर और स्लाइटली वाटर देन फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर कंडीशंस आर मोर मोस्ट फेवरेबल. जो इसमें फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर होता है ना, फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर मतलब कितना ज्यादा जो फील्ड की इतनी कैपेसिटी है कि कितना ज्यादा वो मॉइस्चर प्रोवाइड कर सकता है प्लांट को, उसको फील्ड कैपेसिटी मॉइस्चर बोलते हैं. ठीक है, अगर उतना मॉइस्चर है मींस 60-75% वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सोइल की और उतना वाटर है तो डीकम्पोजिशन रेट जो है वो अच्छा होगा. द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन विल बी हाई व्हेन 60-70% ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी of the soil. Third, soil pH. Okay, hydrogen कितना है soil में? 6-8 pH or neutral pH is required for optimum growth of microorganisms. Last की classes में भी मैंने बताया है कि जो microorganisms की activity होती है वो ज्यादा होती है neutral pH में. Okay, तो जितनी ज्यादा इनकी एक्टिविटी होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की उतना ज्यादा डीकम्पोजिशन रेट जो है वो उतना ज्यादा होगा. ओके डीकम्पोजिशन उतना जल्दी होगा जितनी. तो पीएच कितना चाहिए सोयल का? पीएच सोयल का चाहिए कि सोयल का पीएच न्यूट्रल सोयल होना चाहिए. अगर एसिडिक होगी तब भी इफेक्ट होगा एक्टिविटी पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की. ओके अगर ज्यादा बेसिक है तब भी. तो जो न्यूट्रल सोयल चाहिए जिससे कि
डीकम्पोजिशन रेट जो है वो ज्यादा हो सके। ओके, इसमें कुछ स्पीसीज हैं जैसे बैक्टीरिया की एक्टिविटी कहाँ कब ज्यादा होगी, 6 to 7 pH पे। जो एक्टिनोमाइसिट्स हैं वो कब वर्क करते हैं, 8 to 10 pH पे। जो एल्गी है वो 5.5 to 7.5 pH पे वर्क करती है। जो फंजाई है वो 4.0 pH पे ज्यादा वर्क करती है। जो प्रोटोजोआ है उसका पीएच रेंज, उसके लिए फेवरेबल जो पीएच रेंज है 3 है। ओके, तो ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज है जो कि डिफरेंट पीएच रेंज को फॉलो करते हैं, डिफरेंट पीएच रेंज में इनकी एक्टिविटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो है न्यूट्रिएंट्स। लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स पर्टिकुलरली नाइट्रोजन रिड्यूसेस माइक्रोबियल ग्रोथ एंड इट स्लोस डीकम्पोजिशन। अगर नाइट्रोजन एलिमेंट जो है उसकी कमी है सोयल में तो जो डीकम्पोजिशन रेट है वो डिक्रीज हो जाता है। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उनको नाइट्रोजन इनरिच सोयल चाहिए होती है, इसमें नाइट्रोजन की वैल्यू, नाइट्रोजन की अमाउंट, नाइट्रोजन लेवल ज्यादा हो। ओके, अगर ये लेवल कम है तो उसमें डीकम्पोजिशन रेट भी कम हो जाता है। एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द स्पीड ऑफ डीकम्पोजिशन। अगर हमने यूरिया के थ्रू नाइट्रोजन अप्लाई कर दिया तो जो डीकम्पोजिशन रेट है तब भी वो इंक्रीज हो जाती है। ओके, दिस वॉज द फोर्थ फैक्टर न्यूट्रिएंट। फिफ्थ जो है वो है सोयल टेक्सचर। सोयल टेक्सचर क्या होता है, सोयल हायर इन क्ले टेंड टू रिटेन लार्जर अमाउंट ऑफ ह्यूमस अदर देन अदर कंडीशन बीइंग इक्वल। जो जिसमें ह्यूमस की अमाउंट है ना अगर ज्यादा है, ओके, तो वो कौन सी सोयल होती है, वो क्ले सोयल होती है जिसमें ह्यूमस की अमाउंट ज्यादा होती है। ओके, तो क्ले सोयल जो होती है उसमें डीकम्पोजिशन रेट ज्यादा होता है क्योंकि ह्यूमस ऑलरेडी ज्यादा है। ओके, टेम्परेचर रेंज ऑलरेडी जितनी चाहिए उतनी फेवरेबल है, ह्यूमस के कारण टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो उसके कारण जो क्ले सोयल होती है ना उसमें ज्यादा डीकम्पोजिशन रेट होता है। सिक्स, एरेशन। एयर कितनी है, गुड एरेशन इंक्रीज द रेट ऑफ डीकम्पोजिशन एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, मैंने लास्ट स्लाइड में बताया कि जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उतना ज्यादा डीकम्पोजिशन रेट होगा, उतना ज्यादा रेट होगा डीकम्पोजिशन का जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी। ओके, तो जब एरेशन गुड है, नॉर्मल से अच्छी है, तब जो डीकम्पोजिशन रेट है वो ज्यादा होता है। नेक्स्ट, नेचर ऑफ प्लांट मैटर, की जो रेजिड्यू सॉइल में मिक्स्ड है उस प्लांट की क्या नेचर थी, कौन सा प्लांट था। कंपोजिशन एंड एज ऑफ प्लांट एंड वेजिटेशन इफेक्ट मच देयर डीकम्पोजिशन। जो कंपोजिशन है ऑर्गेनिक मैटर की, प्लांट की एज कितनी है, कौन सी वेजिटेशन एड हुई है, वो जो इफेक्ट करती है डीकम्पोजिशन रेट को। इट इज फास्ट इन यंग, अगर यंग लीव्स होते हैं, यंग जो हमारे ट्रीज हैं, ओके, यंग, तो उसमें जो डीकम्पोजिशन रेट है वो ज्यादा होता है। टेंडर एंड जूसी मटीरियल, अगर उसमें जो लीव्स ऐड हुए हैं सपोज, तो लीव्स में कितना जूस है वो डिपेंड करता है, उससे ऑर्गेनिक मैटर का डीकम्पोजिशन जल्दी होता है। बट स्लो विद मोर सेल्यूलोज एंड हेमी सेल्यूलोज। अगर सेल्यूलोज और हेमी सेल्यूलोज ज्यादा है प्लांट में, ओके, तब जो है वो हमारा डीकम्पोजिशन रेट कम हो जाता है, तब जो एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने की वो कम हो जाती है। ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक मैटर एंड इट्स कम्पोजिशन। I hope you get each and every point about this topic. Okay.